हेलो गाइस, चंदा जी रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में सरसों की साग बना रही हूँ। उसके लिए मैं 250 ग्राम सरसों ली हूँ और उस पर 200 ग्राम मैं पालक मिला रही हूँ। ये देखिए, मैं बहुत अच्छे से इसे धो दी हूँ और धो के कुकर में इसे डाल रही हूँ। और ये बथुआ है, इसमें ये 100 ग्राम के करीब बथुआ है, वो भी मैं डाल दी हूँ इसमें। और थोड़ी सी नमक, अदरक, एक गाजर, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, ये सब डाल के मैं इसमें प्रेशर लगा दी। प्रेशर हमारा लग रहा है, मैं इसे कर लेती हूँ जब तक मैं इसकी मैं घी डाल रही हूँ। साग हमारा पक चुका है, मैं इसका प्रेशर नहीं निकालती हूँ, इसे अभी छोड़ दे रही हूँ। जब तक मैं अपने साग को कढ़ाई में मैं एक बड़ा चम्मच घी डाली हूँ। एक प्याज, आधी चम्मच लहसुन और आधी चम्मच अदरक कटी हुई मैं डाली हूँ। और दो स्लेट की हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी गाजर, एक टमाटो। टमाटर मसाला हमारा, प्याज मसाला सब अच्छे से गल जाए इसलिए मैं इस पर नमक डाल दूंगी। मैं कुकर खोलती हूँ और ये देखिए साग हमारा पक चुका है अच्छे से। अब मैं इसे अलग बाउल में निकाल दे रही हूँ। ये हमारे पास थोड़ी सी शिमला मैं ऊपर से इसके भी डाल रही हूँ और ये हमारे पास एक बड़ा चम्मच मटर है।
दो चम्मच मैं इसमें मक्के का आटा डाल रही हूँ। अब मैं अपने साथ को पानी को इसमें डाल देती हूँ। मैं सरसों को धीरे धीरे मैं सारे को मैश दे रही हूँ। तो देखिए हमारा साग कितना अच्छा से पक चुका है। ये बहुत टेस्टी साग बनता है फ्रेंड्स, जब आप इसमें एक गाजर, एक शिमला, एक टमाटर और प्याज का तड़का डालते हैं तो ये बहुत टेस्टी साग बनता है। ये मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपको साग बता रही हूँ। मैं इसे हींग का तड़का मार देती हूँ, ये और ही अच्छा बन जाएगा। ये सारा चीज कितना अच्छे से मिल चुका है। ये हमारे पास हींग है, दो हरी मिर्च है, दो लाल मिर्च है, ये सबका मैं तड़का इसमें लगा देती हूँ।
के साउट कर देते हैं। और ऊपर से ये देखिए हमारा सरसों का साग बनके तैयार है। आप इसे पराठे, मक्के के आटे के साथ, रोटी के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप भी अपने किचन में इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट्स ज़रूर दें कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।